Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2001 की फिल्म मलहोलैंड ड्राइव की, जिसके डायरेक्टर है डेविड लिंच, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और जाने माने फिल्म मेकर्स में से एक है। इस फिल्म के लीड एक्टर्स हैं नेओमी वॉट्स, लॉरा हैरिंग, जस्टिन थेरो और कई सारे लोग जो इस कहानी में इम्पोर्टेंट है। ये कहानी है बेटी नाम की एक लड़की की, जो एक एक्ट्रेस बनने के लिए हॉलीवुड आई है, पर फिर उसे एक लड़की मिलती है जिसके आने के बाद बेटी उस लड़की की पहचान ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि एक एक्सीडेंट के बाद उस लड़की ने अपनी याददाश्त खो दी है। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो हॉलीवुड हिल्स में कार में कहीं जा रही है। उसे बीच रास्ते में कार से जबरदस्ती उतारने की कोशिश की जाती है और तब स्पीड रेसिंग करती हुई कुछ गाड़ियों से उसका एक्सीडेंट होता है। वो लड़की अकेली उस गाड़ी से बचकर निकलती है और वहां से भागती है। वो पहाड़ से नीचे उतरकर लॉस एंजलिस की एक गली में पहुंचती है और छिपते हुए वो एक घर के बाहर सो जाती है। अगली सुबह वो मौका देखते ही उस घर के अंदर घुस जाती है। उसी के साथ साथ फिल्म के दूसरे ट्रैक में एक पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है, जो एक आदमी से एक कैफे में मिलता है। वो आदमी अजीबोगरीब बातें करता है और कहता है कि उसके इस शहर में आने का मकसद अपने सपने के बारे में जानना था, जिसमें उसे इसी शहर में एक डरावनी औरत दिखाई देती है। वो दोनों बाहर निकलकर उसी जगह जाते हैं जो जगह उसे सपने में दिखाई देती है, और वहां पहुंचते ही उसे वो डरावनी औरत दिखती है, जिसे देखने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उस लड़की को कुछ लोग ढूंढ रहे हैं और उसके गुमशुदा होने की खबर वो लोग फैलाने लगते हैं। अब हम इस फिल्म की मेन कैरेक्टर बेटी को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस आती है और एक हॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो अपनी आंट के घर रहती है, जहां उसे वहां की मकान मालकिन कोको मिलती है। बेटी घर में आकर उस बड़े से घर को देखती है और तब उसे वो औरत मिलती है, जो बताती है कि उसे रहने की एक जगह चाहिए और इसलिए वो उस घर में आई है। उस लड़की से जब बेटी उसका नाम पूछती है, तब हमें समझ आता है कि वो लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है, और एक पोस्टर देखने पर वो बेटी को अपना नाम रीटा बताती है। बेटी को लगता है कि उसकी आंट ने रीटा को वहां रुकने के लिए कहा है, इसलिए वो उससे कोई सवाल नहीं करती। रीटा एक एक्ट्रेस है और उसकी फिल्म एडम कैशर नाम का एक डायरेक्टर बना रहा था, जिसे अब कमीला नाम की एक एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में लेना पड़ रहा है। एडम नहीं चाहता कि वो किसी और एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में ले, पर उसके लाख कहने के बावजूद कोई उसकी बात नहीं सुनता। उन सब की बातें मिस्टर रोक नाम का एक आदमी सुन रहा था, जो उस फिल्म को और उन प्रोड्यूसर्स को कंट्रोल कर रहा है। गुस्से में एडम उनकी गाड़ी पर अटैक करके वहां से भागता है। फिल्म के अगले ट्रैक में हमें एक आदमी दिखाया गया है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और वो किसी ब्लैक बुक को चुराने आता है। बेटी को अपनी आंट से पता चलता है कि रीटा एक अजनबी है, और जब वो रीटा से बात करने जाती है, तब वो उसे सब सच बताती है और कहती है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, जिसकी वजह से उसे अपना नाम भी याद नहीं। अपनी पहचान पता करने के लिए जब रीटा अपना पर्स चेक करती है, तो उसे बहुत सारे पैसे और एक ब्लू चाबी मिलती है। काफी देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि वो मलहोलैंड ड्राइव जा रही थी। बेटी उससे कहती है कि हो सकता है मलहोलैंड ड्राइव में ही उसका एक्सीडेंट हुआ हो, और कहती है कि जैसा फिल्मों में किया जाता है, वैसे ही हम किसी फोन बूथ से पुलिस को कॉल करके उन्हें अपनी पहचान बताए बिना ये पता कर सकते हैं कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। एडम को पता चलता है कि उसकी फिल्म के शूट को बंद करवा दिया गया है, और जब वो अपने घर जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखने पर वो गुस्सा करने के बजाय अपनी पत्नी के गहने उठाकर ले जाता है और उन्हें खराब कर देता है, और उसकी पत्नी उसे घर से बाहर निकाल देती है। पुलिस से बात करके बेटी और रीटा को एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, पर ना तो उसके डिटेल्स पुलिस उन्हें बता रही थी और ना ही उस एक्सीडेंट के बारे में किसी न्यूज़पेपर में लिखा गया था। जब बेटी और रीटा एक कैफे में खाना खाने जाते हैं, तब रीटा को वहां की वेट्रेस का नाम दिखता है, और उसका नाम देखने के बाद उसे याद आता है कि शायद उसका नाम डायन सेल्विन है। दूसरी ओर एडम जिन लोगों से छिप रहा था, वो लोग जानते हैं कि एडम कहां है, और ये सुनकर वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है, जो उसे बताती है कि काउबॉय नाम का एक आदमी उससे मिलना चाहता है। काउबॉय की बताई जगह पर जाकर एडम उससे मिलता है, और वो आदमी एडम से कहता है कि उसकी फिल्म के लिए वो फिर से कास्टिंग करे,
और बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशंस ले। जब वहाँ वो लड़की ऑडिशन देने आए जिसकी फोटो एडम को दिखाई गई थी, तब एडम उसे देखकर ये कहे कि उसकी फिल्म में वही लड़की काम करेगी और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बेटी और रीटा के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है और कोको से बात करके बेटी रीटा को घर में रखने की परमिशन ले लेती है। वो दोनों फोन नंबर्स के बुक में से डायन सेल्विन नाम की लड़की का नंबर निकालते हैं और उसे कॉल करते हैं, पर तब रीटा को पता चलता है कि जिस लड़की की आवाज फोन पर आ रही है वो रीटा नहीं है, कोई और है, जिसका ये मतलब है कि रीटा डायन सेल्विन नहीं है। बेटी एक ऑडिशन के लिए एक स्टूडियो में जाती है जहाँ बहुत सारे लोग उसका ऑडिशन देखने के लिए आए हैं। वो लोग बेटी से बहुत प्यार और इज्जत से बात करते हैं और एक्टिंग करने से पहले डायरेक्टर बेटी को सीन के बारे में समझाता है जो किसी के समझ नहीं आता। एक्टिंग करते वक्त पहले तो बेटी अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर फिर अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस कर देती है। वहां से बाहर आकर बेटी को बताया जाता है कि जिस फिल्म की ऑडिशन देने वो आई है वो कभी बनने नहीं वाली और वो लोग उसे एक अच्छे डायरेक्टर के पास लेके जाएंगे क्योंकि बेटी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। वहां से बेटी को एडम के पास ले जाया जाता है और तब पहली बार वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तब वहां एडम कमिला का ऑडिशन लेता है और जैसा उसे कहने के लिए कहा गया था वो कमिला को कास्ट कर लेता है और अपने प्रोड्यूसर्स को कहता है कि उसकी फिल्म में कमिला ही काम करेगी। बेटी को वहां से निकलना पड़ता है क्योंकि उसे रीटा के साथ डायन नाम की लड़की के घर जाना था रीटा के अतीत के बारे में जानने के लिए। वो लोग एक घर पहुंचते हैं जहां दरवाजा खुलते ही एक लड़की बाहर आती है जो बताती है कि डायन के घर का नंबर 12 नहीं 17 है, पर वो कुछ दिनों से घर से बाहर नहीं आई है। वो दोनों डायन के घर में घुसते हैं और तब उन्हें अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। वो बॉडी देखकर रीटा बहुत डर जाती है और इस सब से वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो अपनी पहचान बदलना चाहती है। इसमें बेटी उसकी मदद करती है। उस रात बेटी और रीटा एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और बेटी रीटा को बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। नींद में अचानक रीटा अलग भाषा में चिल्लाने लगती है और जैसे ही बेटी नींद से जागती है वो उसे अपने साथ कहीं जाने के लिए कहती है। वो दोनों रात के 2 बजे साइलेंसियो नाम की एक थिएटर में जाते हैं। उस थिएटर में बैठकर वो दोनों एक परफॉर्मेंस देखते हैं जो देखकर बेटी को कुछ होने लगता है, पर रीटा उसे संभालती है और अगली परफॉर्मेंस देखते ही वो दोनों रोने लगते हैं। वहां अपने पर्स में हाथ डालते ही बेटी को एक ब्लू बॉक्स मिलता है जिसकी चाबी उन्होंने रीटा के पर्स में रखी थी। जब वो दोनों घर जाते हैं तब रीटा वो बॉक्स खोलती है और बॉक्स के अंदर के अंधेरे को देखती है और तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ बेटी का सपना था। बेटी असल में बेटी नहीं बल्कि 17 नंबर के अपार्टमेंट में रहने वाली डायन है जो कई दिनों से अपने घर से बाहर नहीं आई है, और रीटा कमिला है जो एक फेमस एक्ट्रेस है और डायन और कमिला का एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था। डायन एक जूनियर एक्टर है जिसे ना तो कोई बड़ा रोल मिला है और ना ही कोई उसकी इज्जत करता है। वो जितने भी लोग डायन के सपने में दिख रहे थे वो सब डायन की असल जिंदगी में भी है। कमिला डायन के साथ अपने अफेयर को रोकना चाहती थी जिससे डायन को बहुत तकलीफ होने लगी और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। एक रात कमिला ने डायन को मलहोलैंड ड्राइव में बुलाया और उसे वहाँ ये पता चला कि डायरेक्टर एडम और कमिला एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। वो वहाँ एडम की माँ कोको से मिलती है जो उससे बुरे तरीके से बात कर रही थी क्योंकि डायन एक छोटी मोटी जूनियर आर्टिस्ट है। डायन उसे बताती है कि वो कमिला से उस फिल्म की शूट के दौरान मिली जिसमें उसने खुद लीड एक्टर का ऑडिशन दिया था, पर डायरेक्टर ने वो रोल कमिला को दे दिया। उसके बाद से कमिला ने डायन की फिल्मों में मदद की। डायन डिप्रेशन से गुजर रही है और वो चीजें हेल्यूसिनेट करने लगती है। इन सब बातों के बीच कमिला के पास वही लड़की आती है जो डायन के सपने में कमिला बनकर जी रही थी, और कमिला और उस लड़की को किस करते देख डायन रोने लगती है। वो अपनी असल जिंदगी के हर एक नाम हर एक कैरेक्टर को अपने सपने में कंफ्यूज करती है और अपनी ही एक स्टोरी बनाती है, और डायन ही उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को कमिला को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है जो कहता है कि काम होने पर वो उसे एक ब्लू चाबी देगा जिस चाबी से एक बॉक्स खुलता है। अंत में डायन को इस बात का गिल्ट होता है और उस गिल्ट की वजह से उसकी हैल्यूसिनेशंस इतनी बढ़ जाती है कि वो डर के मारे और डिप्रेशन में अपने आप को गोली मारकर मार देती है।
अपने सबकॉन्शियस माइंड में डायन अपनी कहानी चलाती है, पर अपनी और हर किसी की पहचान और कहानी बदल देती है। कमीला को वो डायन बना देती है। वो पल जब डायन को कमीला की शादी का पता चलता है, वो उसे एक्सीडेंट बना देती है। एडम जो कि एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है, उसे वो एक ऐसा डायरेक्टर बना देती है जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और वो लड़की जिसने डायन से कमीला को छीन लिया था, उसे डायन ने एक एक्ट्रेस बना दिया जिसने उससे उसका रोल छीन लिया। डायन असल में कमीला को मरवा के अपने गिल्ट में इतनी फंस गई थी कि उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया, और डायन वही डेड बॉडी बन गई जो उसे सपने में दिखाई दी थी। उसके इस सपनों की दुनिया को जो उसकी असल जिंदगी से कनेक्ट करता है, वो है एक ब्लू बॉक्स जिसे खोलते ही डायन सपनों की दुनिया से असल जिंदगी में आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।